बाकी जड़ावाली के टीम की तरफ से जिस प्लेयर ने मुर्तजा मन्हास साहब ने यहाँ पे बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है और उनको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इरफान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद हमारे दानिश साहब है, ये बड़ा जबरदस्त खेलते थे लेकिन ये आज बदकिस्मती से आउट हो गए। लेकिन गरसाई की टीम भी कुछ कम नहीं थी, इन्होंने भी बहुत बेहतरीन डिसिप्लिन का नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जब भी वो हमारा जो स्लोगन है से नो टू ड्रग्स जस्ट टू स्पोर्ट्स, उसको हमने जो है वो कायम दायम रखना है। हमें ड्रग्स के से अवॉइड रहना है, हमें स्पोर्ट्स के नज़दीक आना है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अगर आप नज़दीक आओगे, आज आप यहाँ खेल रहे हैं, कल आपको इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है और आप बहुत दूर जा सकते हैं। आपने सुना होगा इमरान मलिक साहब का, वो आने वाले कुछ ही एक 5-6 महीनों में या एक साल में वो दुनिया के सबसे फास्ट तरीन बॉलर बनने वाले हैं। तो आप भी कम नहीं, आप में एक छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, आप में आप भी बहुत दूर जा सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत दूर जा सकते हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा हायल ना रहते हुए मैं एक शेर के साथ रवि मैनी साहब को, मुरली मैनी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आपको एक बेहतरीन सा मैसेज दें। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा और क्लोज हो जाइए ताकि उनका मैसेज सुनने में आपको दिक्कत ना आए। एक चीज हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, यहाँ पे IAS जो जाते हैं, KPS जाते हैं, KAS जाते हैं, लेकिन NDA कभी आज तक हमारे जम्मू कश्मीर से मुझे लगता है कि कोई नहीं गया। आज ये उसके बारे में भी ये इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। मैं इस शेर के साथ इनको दावत दूंगा कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाती है फिर कीमत, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चीफ गेस्ट हमारे आज के रवि मैनी साहब जो आपके सामने जो है वो किताब फरमाएं। रवि मैनी साहब इतना ही होगा, ठीक है। रजाक साहब और दोनों टीम्स, आज ये एक गर्व की बात है। हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, मैं वैसे साउथ इंडिया का रहने वाला हूँ बट बोल पाऊंगा, मैं आप लोग समझ पाओगे। आज एक ये गर्व की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया हूँ और एक खुशी की बात है। ये जो यहाँ पे क्रिकेट मैच हुआ, इसमें जो सबसे अच्छा चीज ये लगा कि जो प्राट क्रिकेट एसोसिएशन का जो मोटो है से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स, ये मुझे सबसे अच्छा चीज लगा क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं कर्नाटका स्टेट को हॉकी में रिप्रेजेंट किया और मैं मानता हूँ कि आज के डेट में मैं कुछ बना हूँ तो स्पोर्ट्स का उसमें जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप स्पोर्ट्स को अपने जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाइए और वो आपको हर लेवल में, हर एज में आपको मदद करेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं रजाक साहब से डिस्कस कर रहा था, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है NDA ज्वाइन करें, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बने और डिफेंस फोर्सेस के जितने भी डिफेंस और पुलिस फोर्सेस के जितने भी ब्रांचेस है उन सब में जाए और हमारे जो देश है उसको प्राउड बनाए। थैंक यू। अब्बास फराज साहब, आपका काफी जो है चीफ गेस्ट से लेते हुए उनके साथ स्पोर्ट्स से काफी बड़े होते हैं। फराज साहब जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है, तालियां जो है वो स्टेज पे है। जड़ावाली टीम के कप्तान जो है अपना आज का जो ट्रॉफी है वो लेते हुए चीफ गेस्ट के हाथों रवि धोनी धोनी साहब के हाथों रजाक गुलशन साहब इजाज साहब क्रिकेट टीम जो है आज की विनिंग टीम है तो उसको जो चेक है कैश प्राइज रनर अप टीम जो है वो NCC गुरसाई जो है वो अपना कैश प्राइज जो है वो चीफ गेस्ट के हाथों लेते हुए